गाइज़ वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग, आई होप आप अच्छे हो। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आजकल चले हैं नवरात्रि और आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। तो आज मैं जा रही हूँ मंदिर और अभी ना इतना अच्छा मौसम हुआ है सुबह सुबह, अभी बजे हैं सुबह के 7 और इतनी अच्छी धूप आ रही है, इतना अच्छा लग रहा है सब कुछ। तो हम लोग जाएंगे मंदिर, हमारे यहाँ पे गांव में ही मंदिर है माता रानी का, तो वहाँ पे जाएंगे। अभी मैं बना रही हूँ प्रसाद, फिर आपको मैं मिलूँगी सीधा वहाँ जाके। तो मंदिर जाने के लिए मैं बना रही हूँ प्रसाद, हलवा बना रही हूँ। मैंने घर पे भी पूजा नहीं की है, पहले मैं उसको बनाऊंगी, फिर घर पे भी भोग लगाऊंगी और फिर हम लोग मंदिर जाएंगे। पहुंच चुके हैं यहाँ पे। The next day. आप सभी को तो हेलो दोस्तों, आप सभी को दशहरे की शुभकामनाएं। और आज है दशहरा और मेरे गांव में आज के दिन मेला होता है, साथ ही शाम को यहां पे नाइट प्रोग्राम भी होता है जिसमें शानू पार्टिसिपेट करने वाली है और मेरे हाथ में और मैं उनके पास डांस सीख रही हूं। हाँ तो अभी रितिका भी थी, रितिका डांस करके चली गई अभी, ये तो मैंने सोचा कि स्कूल गई। हाँ स्कूल गई, इसका स्कूल से भी फंक्शन है, तो मैंने सोचा हम लोग अभी आंगन में ही बैठे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना व्लॉग भी स्टार्ट कर दूँ यहाँ पे। तो अभी आपको सीधा मेले में ही मिलेगी, अभी हम लोग डांस कर लेते हैं, शानू डांस करेगी। एक बार मैंने भी किया था डांस नाइट प्रोग्राम में, पहले किया था, अब काफ़ी टाइम से नहीं करती क्योंकि अभी बच्चों का ही होता है वहाँ पे। तो आपको सीधा मिलेंगे, अगर रात को नाइट प्रोग्राम में गई तो दिखाऊंगी, वैसे मेरा पक्का पता नहीं कि मैं जाऊँगी नाइट प्रोग्राम में। हाय गाइस, तो आज है मेला तो मैं जा रही हूँ मेले में, तो अभी हम लोग जा रहे हैं मेले। क्या है गाइस, और अभी ना प्रोग्राम वगैरह स्टार्ट हो चुका है। टाइम से मन था गोलगप्पे खाने का, तो अभी हम आए हैं गोलगप्पे खाने, उसके बाद हम लोग खाएंगे आइसक्रीम। वैसे इस बार कुछ ज्यादा नहीं लगा, तो हम लोग आइसक्रीम खा रहे हैं यहाँ पे। बहुत ही बेहतरीन साउथ इंडियन डांस पर ये डांस करेंगे। तो तुरंत नाचने मत लग जाइएगा, याद रखिएगा तारीफ के पुल के नीचे कई बार मतलब की नदियां बहती हैं। जिंदगी की सबसे अच्छी बात है ये हमेशा नहीं रहने वाली, और ये बात हर एक व्यक्ति को उचित आयु आने पर ज्ञात हो ही जाता है। कोई भी व्यक्ति चाहे कितना ही बुरा क्यों ना हो, उसके अंदर कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। यदि कोई आपके साथ बुरा करे उसे नजरअंदाज करिएगा, हिसाब रखिएगा, क्योंकि आजकल लोग बड़े जल्दी पूछ लेते हैं तुमने किया ही क्या है हमारे लिए। कोई भी ये नहीं देखता कि किसी ने उसके लिए क्या कुछ किया है, वो बस उसकी कमियां ही खोजने में समय निकाल देता है। मंच पर प्रस्तुत किया जाएगा तो गाइज
मेला तो खत्म हो चुका था, तो अभी हम लोग जा रहे हैं नाइट, हाँ ये भी यहाँ पे, तो अभी हम लोग जा रहे हैं नाइट प्रोग्राम के लिए। और आज पूरा दिन मेले का ठीक रहा, ये लोग भी आ रहे कोई ऊपर से, तो चलते हैं गाइस दिखाएंगे आपको कैसा मेला रहता है, तो आपको मैं वहीं जाके दिखाऊंगी कैसा नाइट प्रोग्राम है। तरबूज है।